तो मुझे लगा कि जब वो ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ। मैं जो चांद पे ज़मीन खरीदा हूँ 1 एकड़ का प्लॉट, और पैसा तो काफ़ी कम है लेकिन इसका प्रोसेस काफ़ी कठिन है। मतलब कितना और पैसा लगा है? ये पैसा डॉलर में कन्वर्ट होकर हुआ है और ये लगभग 48,000 के करीब इसका है जो उस समय मुझे देना पड़ा था। और इसके बाद काफ़ी लंबा जो प्रोसेस है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, सोर्स ऑफ इनकम है, ये काफ़ी कठिन है, जो कि काफ़ी मुझे ये मुश्किल से पूरा अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर पाया मैं। अच्छा, ये किस मतलब ऑर्गेनाइजेशन ये ज़मीन बेचती है या क्या है? ये लूनर इंटरनेशनल सोसाइटी है जो US का है, और काफ़ी मैंने उसके बारे में सर्च किया हूँ, तो वहाँ पर इस कंपनी ने शायद G16, जो काफ़ी जो देश होते हैं, शायद उस देश के थ्रू इनको है जो कुछ अधिकार दिया गया है जिससे आप वहाँ पर डील कर सकते हैं या जो भी। तो जब मुझे वो ऑप्शन मिला था तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करके मैं ये ज़मीन वहाँ पर परचेज किया हूँ। अच्छा, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि आप चांद पर जमीन खरीदें? एक्चुअली मैं सुना करता था कि सुशांत सिंह राजपूत, जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो इस ज़मीन का, मैं उनका काफ़ी बड़ा फैन रह चुका हूँ क्योंकि वो बिहार के ही थे, तो उनका मैं काफ़ी हमेशा है जो विकिपीडिया से पढ़ते रहता था, तो मुझे पता चला था कि वो उन्होंने चांद पे ज़मीन लिया है। फिर शाहरुख खान के बारे में मुझे पता चला था कि वो भी लिए हुए हैं। फिर मुंबई के एक बिजनेसमैन है, मुझे नाम तो नहीं पता, उनके बारे में भी मैंने पढ़ा था कि वो लोगों ने चांद पे ज़मीन लिया, तो मुझे लगा कि जब वो ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली,